बिलाल साहब के एजाज में कुछ इनाम इकराम रखे हैं। एसपी मैम से इसीदा है कि वे अपने हाथों से बिलाल साहब को ये इनाम व इकराम अर्पण करें। ऐसे कि आज के मुलाजमान ने एक रट लगा रखी है, महंगाई है, तनख्वाह कम है, कुछ नहीं पले पड़ता है, लेकिन हिलाल साहब की कयादत में काम करती हुई ये बात समझ आई और रोज रोशन की तरह आया हुई कि एक इंसान हलाल तरीके से कमाई करके अपना गुजारा कर सकता है। लाल साहब आज का हीरो, रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ माय टीम सुपर पुलिस, सबको वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लाल साहब के बारे में बात करेंगे तो वी आर लाइक गोइंग टू लूज वन ऑफ द बेस्ट असेट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। हम आज इस प्रोग्राम कर रहे हैं, इस जगह को बनाए इन्होंने, तो दिस कैंटीन द प्रिमाइज दैट वी आर सिटिंग हियर, तो इनका ब्रेन चाइल्ड है वो, और प्रोफेशनली कोई भी वैसे प्रोफेशनली कम्पिटेंट हो सकता है, प्रोफेशनली अच्छे हो सकते हैं, बट उसके अलावा अच्छे इंसान होना वो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है सभी का ऐसे लाइफ में। तो हिलाल साहब इज़ नोन फॉर हिज वैल्यूज, तो उनका एक नेचर है सभी को साथ लेके जाना, ना सबके साथ अच्छे रिलेशन रखना, तो दैट पेव्ड अ वे। तो मैं उनको बहुत तंग ही करके रखी थी, इनको एडिशनल चार्ज भी दे के रखी, उस वक्त रफियाबाद का भी एडिशनल चार्ज था, तो बहुत काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस हम फेस करना पड़ा शुरू में, तो हर सिचुएशन में मतलब हमें बुलाना नहीं होता है तो खुद ही आ जाते हैं हिलाल साहब, अपना कंट्रीब्यूशन वहां पर दे देते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द क्राइसिस सिचुएशंस में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा, तो दैट इज वाई वो इशू बहुत बड़ा नहीं बना उस वक्त, तो उसके लिए तो एंटायर सोपोर पुलिस विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिलाल साहब। तो उसके अलावा हमेशा उनके काम पे वो बहुत सिंसियरली काम करते हैं, बट ट्रांसफर है एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ सभी का प्रोफेशन में। हमारा बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेगी और हमें उम्मीद है आप कहीं भी आप जाओगे वहां पर आप बेस्ट परफॉर्म करोगे और हम वहां की वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप बहुत सारे लॉरल्स लेके आएंगे। अदर ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ पीपल सपोर्ट, गुड आफ्टरनून, आदाब, सलाम अलैकुम। तो मुझे पहली बार लग रहा है कि थोड़ा स्टेज फोबिया पहली बार लग रहा है, बिकॉज मैं यहाँ जनवरी 2023 में आया था, तो काम करने के साथ साथ आप लोगों के साथ जो अटैचमेंट रही, मैम का जो सुपरविजन रहा, वो एक ऐसी चीज़ है जो शायद वाइल आई एम फीलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। कोशिश की है कि मैंने ज़िंदगी में कि ईमानदारी से काम किया जाए और सबको साथ मिला के काम किया जाए। अब रही बात, यहाँ सब लोगों ने थोड़ा ज़्यादा तारीफें की मेरी, मेरे से भी कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे और मैं बहुत लोगों का मशकूर हूँ, अगर वो एंटायर करियर में ये देते हैं मेरे को नंबर वन प्रायोरिटी देते हैं, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम, बट इट इज़ ओनली बिकॉज शायद वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको शायद मैं भी अच्छा नज़र आ रहा हूँ। सोपोर की जो आम जनता है, सोपोर के आप हमारे ऑफिशियल्स हैं या मेरे यहाँ पे बाकी भी है, उनका इतना कोऑपरेशन रहा कि उसकी वजह से थोड़ा सा हमारे जो काम है वो थोड़ा सा आसान होते गए। एक दिन मैम आई यहाँ पे, उनने एक बात बोली जिसको मैं पकड़ के रखा हूँ, वो ये है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे जो घर के मसले हैं ऊपर वाला उनको ठीक करेगा, और मैं ये जो लाइन मैंने पकड़ी है, मैं हर कोई जो मेरा अपना मसला है, पर्सनल मसला है, घर का मसला है, मैं
उनका सोल्यूशन इसी में ढूंढता हूँ, और आज तक ऊपर वाले ने ठीक ही किया है। बाकी ये है कि शायद मुझे आप लोगों को छोड़ने का दुख भी है, लेकिन जिस ट्रांसफर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस करियर, सर्विस करियर, तब जवान का जो वेलफेयर है वो मेरी घर से सीख है कि जब मैं पुलिस में गया तो मेरी माँ नहीं मानती थी मैं पुलिस ज्वाइन करूँ, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी गेस्ट ऑफिसर इन सामादर सिविल डिपार्टमेंट। पर जब मैंने ज़िद की तो उन्होंने यही बोला कि जो पुलिस वाले जो होते हैं, जवान होते हैं, उनका थोड़ा ख्याल रखें। ख्याल रखना नहीं होता है, लीव देना, उनका जीपी फंड सेंक्शन करना है, व्हाटएवर इट इज़। इट इज़ लाइक कि किसी का बच्चा है यहाँ पे, मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि मैंने बहुत सारे जो अपने मेरे जवान हैं उनके बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूलों में कराया, उनको ये बताया कि एजुकेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी कोई चीज़ नहीं है। या किसी का जो मेरे कनेक्शंस थे हॉस्पिटल में, किसी का इलाज, किसी के फैमिली में इश्यूज थे, वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। बाकी ये है कि मेरा नंबर आप सब लोगों के पास है, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। Thank you.